में में आज हम अपने लेसन वन के question answer complete करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने फोर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे आज हम क्वेश्चन नंबर फाइव से स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है आपको राइट द फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज द फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर एज फॉलोज फर्स्ट दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेटा इस जनरेशन के कम्प्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया था सेकेंड प्रोसेसिंग स्पीड इज वन बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और जो इस जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी प्रोसेसिंग स्पीड वन बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड थी क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन एन एल्गोरिदम एल्गोरिदम इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेटा एल्गोरिदम एक तरीका है एक रास्ता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक तरीके से आप इसमें क्या करते हो आप इसमें कोई कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सही से लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सेवन लिस्ट द रूल्स टू बी फॉलो फाइल क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट बेटा ये फ्लो चार्ट के जो रूल्स हैं ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था और वहां पे भी आपको मैंने ये कंप्लीट करा दिया था फर्स्ट बिगन स्टार्ट बॉक्स यानी जो हमारा फ्लो चार्ट शुरू होता है वो स्टार्ट बॉक्स से शुरू होता है सेकेंड प्रोड्यूस वन रिजल्ट आपको फ्लो चार्ट में एक बार में सिर्फ एक ही आंसर मिलता है थर्ड कनेक्ट विद फ्लो लाइन जो इसमें बॉक्स बनाए जाते हैं बेटा एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें फ्लो लाइन का यूज करते हैं, यानी कि फ्लो लाइन के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं फोर्थ फ्लो टॉप टू बॉटम जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो टॉप से बॉटम होता है फिफ्थ फ्लो चार्ट मूव वन पेज टू अनदर अ कनेक्टर मस्ट बी यूज्ड बेटा फ्लो चार्ट में एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए हम कनेक्टर का यूज करते हैं या जो आप डिसीजन बॉक्स भी लगाते हो ना तो उसमें भी कभी कभी आप कनेक्टर का यूज कर सकते हो सिक्स फ्लो चार्ट मस्ट एंड विद स्टॉप बेटा फ्लो चार्ट जैसे स्टार्ट होता है स्टार्ट बॉक्स से ऐसे ही वो लास्ट में खत्म होता है हमारा स्टॉप बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर एट ड्रा अ फ्लो चार्ट टू डू द फॉलोइंग ए फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर देखो बेटा यहाँ पे हमने स्टार्ट किया ये पहला बॉक्स बनाया है स्टार्ट का ठीक है बेटा इस बॉक्स को हम ओवल बॉक्स भी कहते हैं ओवल बॉक्स में ही स्टार्टिंग होती है और ओवल बॉक्स में ही हमारा स्टॉप होता है यानी कि स्टार्ट और स्टॉप दोनों एक ही बॉक्स के अंदर काम करते हैं तो हमने स्टार्ट किया ओवल बॉक्स से ओवल बॉक्स में हमने स्टार्ट लिखा ये हमारी एरोलाइन है जो हमने दूसरे बॉक्सेस को कनेक्ट किया है ये बॉक्स जो होता है बेटा हम इसको इनपुट बॉक्स भी कहते हैं इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स एक ही तरीके के बॉक्स में शो so होती हैं ये हमारा बेटा इनपुट नम यानी कि आप इसमें कोई नंबर भी ले सकते हो जैसे कि टू फोर सिक्स एट आप कुछ भी ले सकते हो देखो मैंने यहाँ पे आपको अलग से शो करके भी दिखाया कि नम में हमारा टू भी हो सकता है नम जो है हमारे टू के बराबर है तो इनपुट लिया हमने नम फिर हमने इसको एरोलाइन से कनेक्ट किया और ये बेटा हमारा रेक्टेंगल बॉक्स जिसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स भी कहते हैं ए इज टू नम नम क्योंकि हमें इस नंबर का स्क्वायर करना है तो हमने क्या किया नम मल्टीप्लाई नम दो बार लिख दिया इसको और नम में जैसे अगर हमारा टू है तो हमारा टू मल्टीप्लाई टू भी हो जाएगा फिर हमने इसके बाद इसको एरो लाइन से कनेक्ट किया एरो लाइन से कनेक्ट करने के बाद ये हमारा है आउटपुट बॉक्स आउटपुट बॉक्स में हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है रिजल्ट दिखाई देता है तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा ए क्योंकि हमारा जो नम का स्क्वायर है वो ए के अंदर ही तो है तो प्रिंट हमारा हो गया ए और फिर हम इसे लास्ट में क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे ये हमारा बेटा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट होगा यानी कि ये फ्लो चार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है इसके बाद बेटा हमें क्वेश्चन टू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर बी फाइंडिंग द स्मॉलर ऑफ टू नंबर बेटा जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हम डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन का यूज़ करना होता है और कंडीशन का यूज हमारा हमेशा डिसीजन बॉक्स के अंदर ही होता है वही शुरुआत हमारी ओवल बॉक्स यानी स्टार्ट बॉक्स से शुरू होगी हमने स्टार्टिंग की हाँ पे हमें बेटा दो नंबर लेने हैं इनपुट ए एक नंबर हमारा हो गया ए और एक नंबर हो गया हमारा बी ये हमारा इनपुट बॉक्स है और फिर हमने इसको किससे कनेक्ट किया है फ्लो लाइन से कनेक्ट किया है और ये हमारा बेटा डिसीजन बॉक्स है डिसीजन बॉक्स में जब हम काम करते हैं तो ये हम इसमें इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करते हैं इफ़ ए लेस देन बी अगर ए छोटा है बी से तो यस हमारा प्रिंट ए हो जाए और अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम नो की कंडीशन लगा दी तो हमारा प्रिंट बी बी हमारा प्रिंट हो जाए और इसके बाद जब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे और वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे तो हम प्रिंट कराने के बाद लास्ट में हमें स्टॉप से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है तो हम इसे किससे कनेक्ट करेंगे स्टॉप बॉक्स से जो भी कंडीशन बेटा हमारी ट्रू होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी ये यह बेटा यहाँ पे हमारा आज चैप्टर वन कंप्लीट हो गया है अब हम अपना इसमें चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे